हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फ्री स्टडी अड्डा पर। मैं हूं आशीष कुमार सैनी। आज देखते हैं हम चैप्टर 5.3 के अंतर्गत, तो इसमें पढ़ेंगे हम योगफल। क्या पढ़ेंगे? योगफल, यानी कि हमें समांतर श्रेणी के अंतर्गत क्या दे रखी होगी, पद दे रखे होंगे, कितने भी दे सकते हैं। तो देखिए, हमारी समांतर श्रेणी है 1, 3, 5, 7 डॉट 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 12 पदों का क्या ज्ञात करना हमें, योगफल। क्या ज्ञात करना है? योगफल। अब योगफल का मैंने सूत्रकल लिखाया है, दो लिखाए थे, तो देखिए योगफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? पहले सबसे पहले बोलो, पहला पद क्या है हमारा? एक। डी ज्ञात करना चाहूँ तो डी कैसे करेंगे, यानी कि 3 - 1 बराबर कितना बचाएगा? 2। और एन बराबर कितने दे रखे हमको? 12 पद। कितने दे रखे हैं? 12 पद। तो किसका सूत्र लगा देंगे? एसएन। तो एसएन बराबर एन अपॉन 2 कोष्टक 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है दोस्तों, तो देखिए एस यानी योगफल, एन बराबर कितने पद है? 12 बराबर 12 अपॉन 2 टू ए कितना है? 1। एन बराबर 12 माइनस 1, डी बराबर कितना है? 2। तो देखिए आगे कितनी बार डिवाइड हो गया? 6 बार डिवाइड, 2 एकम 2, 12 में से गया तो 11 इंटू 2, 11 दुनिया 22, 2 प्लस 22 कितना हो गया, जोड़ेंगे तो 24 इंटू क्या कर देंगे? 6। ठीक है दोस्तों, तो आगे देखिए, तो देखिए 6 चौका 24 हासिल की 2, 6 दिन को 12 8 2 14, ये हमारे क्या आ गया इसका योगफल। क्या आ गया? योगफल। तो देखिए अगला जिसे और क्वेश्चन देखते हैं, एक तरीका ये हो गया, इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है एक तो। ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन तो इस तरह से आ सकता है जिसमें हमको एपी यानी समांतर श्रेणी दे रखी है, समांतर श्रेणी के अंतर्गत आप कितने पद दे देंगे, उसमें पूछ लिया 12 पदों का योग ज्ञात कीजिए, 10 पदों का योग ज्ञात कीजिए, ठीक है दोस्तों, 50 पदों का योग ज्ञात कीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, दूसरा टाइप कैसे, अब आपको एक इसमें क्या देगा, समांतर श्रेणी के अंतर्गत, तो आपको ये कैसे देगा, माना कि ए पी मैंने लिख दी 3, 5, 7 डो डो, एक मिनट, ऐसे नहीं, अलग तरीके से, जैसे मैंने लिख दिया 5 + 10 + 15 + 20 डॉट 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 505 ऐसे, तो कहेगा ये पद दे रखे हैं का योगफल ज्ञात कीजिए, यानी कि योग ज्ञात कीजिए, ऐसे आपको प्रश्न दे। दूसरी टाइप हो गई, यानी पहले तो हमको पद दे रखे थे भाई कितने, 12 पदों का योग, लेकिन अब हमको पद नहीं दिया, इसमें क्या दे दिया, पहला पद दे दिया और अंतिम पद भी दे दिया। तो मैंने बताया था कल कि दो सूत्र है इसके, छोटा और एक बड़ा, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ए बराबर तो कितना है इसमें, 5, कितना है 5, और ए एन यानी अंतिम पद दे रखा हमको, एन तो दे नहीं रखा, कितना है 505, और एक हमको दे रखा है डी, याद कर सकते हैं हम डी, तो डी कैसे याद करेंगे, दूसरा पद माइनस पहला पद क्या कर देंगे, माइनस, तो 10 - 5 = 5 हमारा बोलो क्या प्राप्त हो गया, डी, एन दे रखा है और ए पद भी दे रखा है। अब एन हमें पता नहीं है, तो पहले एन याद करेंगे, क्या याद करेंगे, एन, तो एन किससे याद हो जाएगा, अंतिम पद से, तो अंतिम पद है हमारा, तो लिख देंगे एन व पद से, एन व पद से, तो ए एन बराबर
ए प्लस कोष्टक एन माइनस वन इंटू डी। तो एन ए एन बराबर कितना दे रखे हमको 505, ए बराबर दे रखा है 5, एन बराबर नहीं है छोड़ दिया 1, डी बराबर कितना दे रखा है 5, 5 एकम 5 माइनस 5 एन प्लस का 5 माइनस प्लस तो कट गया, ये तो क्या बच गया 5 एन बराबर 505। फिर हम n बराबर क्या निकालेंगे पक्षांतरण करके, n बराबर 505 अपॉन 5 डिवाइड देंगे 5 का, कितनी बार गया 101 बार। तो n बराबर यानी कितने पद हो गए 5 से लेके 505 के बीच के अंतर्गत कितने पद हो गए 101। तो हमें हमारे बराबर क्या आ गया पद 101। अब योगफल क्या बात करेंगे योगफल, तो किस एस एन बराबर मैंने बताया था जब अंतिम पद दिया गया हो तो कौन सा लगा लेते हैं सूत्र एन अपॉन टू ए वन प्लस ए एन, इस सूत्र से भी हम योगफल ज्ञात कर सकते हैं। तो एस एन यानी एन बराबर कितना है 101 पद का ज्ञात करेंगे, तो 101 अपॉन टू कोष्टक ए वन यानी कितना है 5 और ए एन बराबर 505। ठीक है दोस्तों, या 101 अपॉन टू 505 प्लस 5 करेंगे कितना लगेगा 510, डिवाइड करेंगे किससे 2 से, कितने बार गया यहाँ तो 2 बार, फिर कितनी बार गया 5 बार, क्योंकि यहाँ एक बच गया यहाँ 11 हो गया, 11 हम 2 का भाग दिया 5 बार, फिर कितना बच गया यहाँ पे 1 10 हो गया, कितनी बार गया 5 बार, तो 555 इससे डिवाइड हो गया 2 से इंटू क्या बच गया 101। तो 101 को किससे गुणा करेंगे 255 से। अब देखिए 101 फाड़ा बोलेंगे 5 पर कितना हो गया 505 असल की 50, फिर गुणा करेंगे 101 किससे 5 से करेंगे तो कितना हो गया 505, क्या जोड़ देंगे 50, कितना हो गया 55 असल की 1 मिनट सॉरी हाँ कितना हो गया 555 क्या आ गया 5। अब क्या लग जाएगी असल 55, क्या लग जाएगी 55। फिर देखिए 101 गुणा करेंगे किससे 2 से, कितना हो गया 202, 200 हम क्या जोड़ेंगे 55, कितने 202 के अंतर्गत क्या जोड़ दिया मैंने 55, तो 7 5 और 2 25,755। अब देखो एक तरीका मैं आपको गुणा करने का तरीका बताऊँ 101 यानी कि 100, या तो 101 हो या 1001 हो या 11 हो, ऐसी संख्याओं को किसी से संख्या से गुणा करने पर एक 100 ट्रिक्स है तो मैं बता देता हूँ आपको, जिसे मैंने लिखा यहाँ गुणा हो रही थी हमारे 555 255 इंटू 101, ये हमारे क्या हो रहे थे गुणा। तो देखिए इस 100 में 100 से कितना अधिक है एक बार, अब 100 में कितनी जीरो होती है 2, तो 255 के अंदर 2 क्या लगा देंगे 0, और एक अधिक है यानी 100 से, तो इस संख्या को एक बार और जोड़ देंगे, इसमें क्या जोड़ देंगे एक बार और 5 5 7 5 2 कितना है 25,755, तो हमारे कितना आ गया 25,755, ये हमारा क्या आ गया योग फल, ठीक है तो गया योग फल। ठीक है दोस्तों, तो देखिए अगली टाइप कैसे आएगी, दो टाइप मैंने देख ली भाई किसनों कैसे आएगा। तीसरा टाइप हमारे कि आपको समांतर श्रेणी दे दी 9 17 25 के कितने पदों का योग फल 636 है, यानी कि हमको क्या पूछ रहा है कितने पद, यानी कि n बराबर पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है n बराबर हमको योग फल दे रखा है, यानी कि हमको एक तो दे रखा है पहला पद, क्या दे रखा है पहला पद, यानी कितना है 9,
एक दे रखा है हमको ए एस एन, क्या दे रखा है एस एन बराबर कितना दे रखा है 636। अब डी बराबर मैं ज्ञात कर सकता हूँ क्योंकि दो पद तीन पद दे रखे हैं शुरू प्रथम, तो लिख सकते हैं 17 - 9 कितना हो गया, कितना बच गया 8, यानी डी बराबर कितना आ गया हमारे पास 8। अब कितने पद, तो एस एन सूत्र से करेंगे हम, तो एस एन बराबर एन अपॉन टू कोष्टक 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए एस एन, तो एस एन का मान हमें दे रखा है 636, 636 तो एन बराबर नहीं है, तो एन अपॉन टू, टू इंटू ए तो कितना है 9, एन बराबर नहीं है हमारे पास छोड़ दिया, डी बराबर कितना है 8। हल करेंगे, ये क्या हो रहा है यहाँ पे डिवाइड, तो इसको यदि मैं पक्षांतरण कर दूँ इसका, फिर बाद में कर लेते हैं, हल कर लेते हैं एक बार, एन अपॉन टू 9 × 18 प्लस 8 कितना हो गया 8 एन माइनस के 8 636, 636 अब बराबर एन अपॉन टू ये 18 ये माइनस के 8 तो 10 बच गए, तो 8 एन प्लस का 10 ये हमारा। अब करेंगे हम डिवाइड, क्या कर लेते हैं पक्षांतरण कर लेते हैं, बोलो क्या कर लेते हैं पक्षांतरण, क्योंकि किसका 2 का, तो इधर जाएगा क्या हो जाएगा ये गुणा, तो 636 इंटू 2 बराबर, अब ये एन क्या हो रहा है इसे गुणा, तो क्या करते हैं एन स्क्वायर, एन स्क्वायर 8 एन स्क्वायर, एक सॉरी 8 एन स्क्वायर प्लस 10 को एन से गुणा किया कितना हो गया 10 एन। अब देखिए सर, तो मैं इसको और यदि छोटे संख्या बनाना चाहूँ, जैसे ये 10 है इधर 8 है इधर 636 इंटू 2, तो सभी को मैं 2 से डिवाइड कर सकता हूँ, तो यानी सभी कट जाएगी समान गुणनखंड से, तो ये कट गई 2 से, तो कितना बच गया 636, इसको काटा मैंने 4 एन स्क्वायर, इसको काटा 5 एन, ठीक है। अब यदि अब हमारे पास क्या बन गया द्विघात समीकरण, तो मैं लिख सकता हूँ इसको 4 एन स्क्वायर प्लस 5 एन और माइनस का 636, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया द्विघात समीकरण। अब द्विघात समीकरण हो गया, तो इसे हम गुणनखंड विधि से श्रीधराचार्य विधि से भी कर सकते हैं, तो गुणनखंड यदि आपसे नहीं होते हो, क्या नहीं होते हो गुणनखंड, ठीक है, ऐसे मैं बता दूंगा, तो आप छोट यानी किससे कर सकते हैं द्विघात समीकरण से भी कर सकते हैं। द्विघात समीकरण कौन सा हमारा, तो इसका इससे क्या निकलता है एक्स बराबर किस निकलता है माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, इस सूत्र से हम कर सकते हैं। तो माइनस बी बराबर, तो यानी a बराबर तो कितना है 4, b बराबर यानी n का गुणांक n की कितना है 5, ये हो गया b, और c पर दे रखा है हमको माइनस 636, तो हल करते हैं माइनस बी की जगह 5 प्लस माइनस बी यानी कि 5 का वर्ग माइनस 4 इंटू ए बराबर दे रखा है हमको 4 और माइनस 636, 5 का वर्ग 25 माइनस माइनस प्लस 4 चौकू 16 इंटू क्या करेंगे 636, 16 छिकानी 96 कितना हो गया 6 आंसर की 9, 16 48 और 9 57 आंसर की 5, 16 छिकानी 96 और 5 101। अब देखिए क्या करेंगे इसमें जोड़ेंगे, किसको जोड़ेंगे एक मिनट चोरी, यहाँ इसके नीचे हमारे डिवाइड है 2 इंटू ए कितना है हमारे पास 4, तो आगे देखते हैं
प्लस ये हो गया माइनस का पाँच का पाँच बटे में आठ हो गया, चार इंटू दो करेंगे कितना हो गया आठ। अब देखिए माइनस पाँच का पाँच, अब देखिए जोड़ेंगे दोनों कितना हो गया पाँच छः ग्यारह, असल की एक, फिर दो सात नौ और एक दस, असल की एक, एक रेक दो जीरो दस अपॉन आठ। तो आगे देखते हैं माइनस पाँच प्लस माइनस एक, दस हजार दो सौ एक किसका वर्गमूल है एक सौ एक का, निकाल सकते हैं जिसमें निकालना चाहो। तो देखिए अब हमारे पास वर्गमूल ज्ञात करना है, तो वर्गमूल ज्ञात करेंगे हम तो दो दो के जोड़े बनते हैं, तो हमारे पास पहला जोड़ा कितना है जीरो एक, अंतिम बचा हमारे पास 102, इसको भी क्या मान लेते हैं एक जोड़ा ही मान लेते हैं। तो जीरो एक तो ऐसी संख्या दो जिसमें वर्ग करने पर एकाअंक क्या आता हो एक, तो किस में आता ओनली एक के अंतर्गत, और एक आता है नौ के अंतर्गत वर्ग करने पर। अब यहाँ 102 क्या है 102, तो 102 के अंतर्गत किसका वर्गमूल समाहित हो रहा है, किसका समाहित हो रहा है 10 का, 10 कितना होता है 100, कितना होता है 100। अब देखो इधर, अब हमें यह पता नहीं चला कि इकाअंक इसमें से 9 ले या फिर 1 ले, तो इसका पता करने के लिए आप जो हमने इसका वर्गमूल निकाला 102 में किसका समाहित हो रहा 10 का, 10 को एक अधिक से गुणा कर दो कितना गया 110, कितना हो गया 110। अब 102 से 102 110 से क्या है छोटा, तो छोटा वाला अंक आएगा, 110 से क्या है बड़ा, तो बड़ा वाला अंक आ जाएगा, तो कौन सा आ जाएगा छोटा वाला, कितना होगा 101 अपॉन 8, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो एक माइनस का तो 5 प्लस 101 अपॉन 8, एक बार माइनस 5 माइनस 101 अपॉन 8, ये घटाएंगे कितना बच गया चिन्ह में अपॉन 8, 8 एक मार 8 दुनिया का 16, एक हो गया माइनस का 106 अपॉन 8, 8 एकम 8 बच गया 4, 8 पंजो 40, फिर बच गया 6, यानी पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। अब देखिए अब n बराबर हमें क्या करना है ज्ञात करवा रहा है, क्या ज्ञात करवा रहा है कितने पद, तो यानी n बराबर हमसे पूछ रहा है। तो देखिए कभी भी n बराबर यानी संख्या कभी भी माइनस में नहीं आ सकती, तो हमारा n बराबर कितना आ जाएगा 12 पद, तो बोलो कितने पद हो गए 12 पद। तो हम लिख सकते हैं 12 पदों का, अतः 12 पदों का योगफल 636 है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए अगला टाइप यानी कि हमें प्रश्न में देगा कि प्रथम 25 पद प्रथम 50 पदों का योगफल ज्ञात के जिसका एनवा पद ये दे रखा है, तो हमको क्या दे रखा है इसमें ए एन बराबर 7n माइनस 3n, यानी कि हमको पहला पद नहीं दे रखा, दूसरा नहीं दे रखा, डी कुछ भी नहीं दे रखा, ओनली पद दे रखे 25, तो हम ज्ञात कर सकते हैं यहाँ एनवा पद से माना कि एन बराबर बोलो क्या रखने पर एक रखने पर क्या रखने पर, तो एन पद हमको ये दे रखा है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं ए एन की जगह एक
सात माइनस तीन इंटू एक, तीन एकम तीन, सात में तीन का कितना बचेगा चार, कौन सा पद आएगा पहला। उसी प्रकार एन बराबर बोल क्या रखेंगे दो, तो ए एन की जगह दो, सात माइनस तीन इंटू दो, तीन दूनी का छः, कितना बच गया एक। उसी प्रकार तीसरा पद याद कर लेंगे एन बराबर तीन रखेंगे, तो ए थ्री बराबर सात एन तीन, सात माइनस तीन इंटू तीन, तीन तीन नौ बराबर कितना गया माइनस का दो, क्योंकि बड़ा अंक बड़ा होगी कौन सी होगी माइनस की, तो हमें हम बना सकते हैं इससे ए पी, तो ए पी यानी समान श्रेणी बन जाएगी चार एक माइनस, तो ये हमारी क्या बन गई ए पी, क्या बन गई समांतर श्रेणी। अब पद कितने देगा इसमें 25, ए पी दे दी, पहला पद हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, एक चीज़ ये हो गई, तो हम ए बराबर लिख सकते हैं बोलो कितना चार, डी बराबर ज्ञात कर ही सकते हैं, तो ए टू माइनस क्या करेंगे ए वन, तो ए टू तो कितना है वन माइनस का चार बराबर कितना हो गया माइनस का तीन, तो डी बराबर क्या हो गया हमारे पास माइनस का तीन। एक चीज दो तीन, तीन चाहिए हमको योगफल ज्ञात करने के, तो हम लिख देंगे योगफल बराबर एस एन एन अपॉन टू टू ए एन माइनस वन इंटू डी, तो एस एन बराबर कितने देखें 25 पद, 25 अपॉन टू टू ए, तो ए बराबर कितने देखा है चार प्लस एन बराबर 25 माइनस वन, डी बराबर कितने का हो गया माइनस का तीन। अब देखिए कितना हुआ 25 अपॉन, ये तो हो गया दो, चार दुनिया का तो आठ, 25 में से क्या बच, क्या बोलो चॉइस एक घटा देंगे, तो चॉइस में क्या करेंगे तीन, चॉइस दिया 72, तो माइनस का क्योंकि माइनस का चिन्ह इधर इधर, तो माइनस का क्या हो जाएगा 72, फिर 25 अपॉन टू, 72 में से आठ गए तो कितना बच गया 64, बोलो कितना बच गया 64, किसका माइनस का, क्योंकि माइनस का अंक बड़ा है, फिर दो का भाग देंगे इसमें कितने बार गया 32 बार, तो 32 माइनस के है ही 25 से करते हैं इसको गुणा कर देंगे, करते हैं 25 से इसको गुणा कर देंगे, दो से डिवाइड कर दिया हमने इसको, काट दिया कितनी बार माइनस के 32 बार, तो 25 दूनी का 50, आंसर की 5, 25 75 और 50 और 5 80, तो माइनस के 800, माइनस के 800 बोलो क्या गया इसका योगफल, बोलो क्या गया योगफल, कितने पदों का 25 पदों का, ठीक है दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, जिसमें प्रथम पद दे रखा हमको 17, अंतिम पद दे रखा 350, कितने पद यानी एन बराबर ज्ञात करना है और एस एन भी ज्ञात करना है, और हमको डी यानी सारोंतर दे रखा कितना 9, तो एन एनो पद दे रखा यानी अंतिम पद, तो एनो पद से ज्ञात कर सकते हैं हम, ठीक है, तो ए एन बराबर कितना दे रखा है हमको 350, ए बराबर दे रखा है 17, एन बराबर नहीं है छोड़ दिया 1 का 1, डी बराबर दे रखा है हमको 9, कितना दे रखा है 9, 17 9 एकम 9 एन माइनस का 9 350, यहाँ 17 प्लस का ये माइनस का, तो बोलो कितना बच गया माइनस प्लस के 8 प्लस 9 एन बराबर 350, बोलो क्या कर देंगे पक्षांतर, किसका है प्लस, इधर जाएगा माइनस का जाएगा 350 माइनस का 8, और देखिए यहाँ एन बराबर निकालेंगे तो एक बात कर लेते हैं, देखिए इधर 9 एन, तो यहाँ कितना बच गया 2, जीरो में छाटेगा 2 बच गया, यहाँ बच गया 4 और ये 3 का 3, अब बराबर हमको निकालना है एन किसका भाग चल जाएगा 9 का, क्या चल जाएगा 9 का, तो देखिए 9 तिया 27 कितना बच गया 7, कितना हो गया 72, 9 8
72। तो बोलो एन बराबर कितने आ गए हमारे पास, 38 पद। बोलो कितने पद आ गए, 38 पदों को अब क्या याद करना हमको, योगफल। क्या याद करना है, योगफल। तो एस एन बराबर, अब देखो एन अपॉन टू ए प्लस ए एन, क्योंकि अंतिम पद दे रखा तो हम इससे भी ज्ञात कर सकते हैं। एस एन बराबर कितना आ गई, 38। 38 अपॉन टू पहला पद दे रखा है 17, अंतिम पद देखा 350। दो एकम दो, नौ दून का 18। फिर देखिए 0 7 7 हो गई, 5 एक 6 3 का 3, गुणा करेंगे किससे, 19 से। किसे गुणा करेंगे, 19 से। तो देखिए गुणा करके दिखाता हूँ मैं इधर आपको, 9 7 63 आंसर की 6, 9 6 54 और 6 60 आंसर की 6, 9 3 27 और 6 33, 7 एकम 7 6 एकम 6 3 एक 3 जोड़ेंगे 3 7 9 और 6। तो हमारा 38 पदों का योग कितना आ गया, 6973। कितना आ गया, 6973। ठीक है दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन हमारा, एक से हजार तक की कितनी संख्या, संख्याएं 3 से विभाजित है और वो भी कौन सी, विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। तो विषम संख्या है कौन सी, 3 से विभाजित। तो हमें पता है 3 से विभाजित पहली तो संख्या कौन सी होगी, 3। 3 से विभाजित पहली संख्या, दूसरी विषम कौन सी होगी, 6 आएगा नहीं 9 आएगा, उसके बाद में 15, तो ऐसे ऐसे अंतिम 3 से 1000 कितने जाएगी, 999। यानी कि पहली संख्या तो हो गई हमारी, जिसे उसने कहा कि 1 से हजार तक। तो हमें पता है 1 के बाद में यानी कि 3 में ही भाग जा सकता है, किसमें जा सकता है, 3 के अंतर्गत। तो पहली संख्या तो होगी हमारे पास 3, और 1000 में तो भाग जाएगा नहीं 3 का, इससे पहले किसमें जाएगा, यानी कि 999 के अंतर्गत। तो अंतिम पद कौन सा हो गया हमारा, 999। तो हम लिख सकते हैं पहला पद यानी कि ए वन तो बराबर, और ए एन बराबर 999, और डी बराबर हम ज्ञात कर सकते हैं। तो दूसरा पद है 9 माइनस 3 बराबर कितना बच गया, 6। कितना बच गया, 6। अब हम एनवा पद से तो ज्ञात हो जाएगी हमारी एन पद, और फिर हम क्या ऐसा एन से ज्ञात कर लेंगे योगफल। तो एनवा पद से तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन अंतिम पद का 999, ए बराबर 3, एन बराबर नहीं है छोड़ दिया, डी बराबर हमें दे रखा है 6, 6 एकम 6, 6 एन प्लस 3 बराबर 999। ये 6 माइनस का ये प्लस का कितना बच गया, माइनस का 3, तो माइनस का 3 प्लस 6 एन। क्या किया मैंने, पक्षांतरण करेंगे यहाँ पे आगे, क्या करेंगे पक्षांतरण। तो इधर बच गया 6 एन और इधर जुड़ जाएगा, तो 900 किस में जोड़ा, 99 के अंतर किसको जोड़ दिया, 3 को, तो कितना हो गया 1002। कितना हो गया 1002 बराबर किसके बराबर आ गया, 6 एन के बराबर। तो एन के बराबर निकालेंगे तो 1002 में किसका भाग चल जाएगा, 6 का, 6 एकम 6 बच गया 4। कितना हो गया 6 छक्का 36, फिर बच गया 4, फिर 6 7 42, तो 167 पद क्या आ गया हमारे पास एन बराबर। तो विषम संख्या कितनी हो गई, 167। तो इसका क्या करना है हमको, योगफल। तो एस एन बराबर एन अपॉन टू ए वन प्लस ए एन अंतिम पद। तो कितने पद दे रखे हैं पूरे, 167। तो 167 अपॉन टू ए वन बराबर दे रखा है 3 और 999, 167 ये हो गया 1002 जोड़ने पर बटे में 2, काटा इसको 5 बार 0 1 बार, गुणा करेंगे 167 से,
ठीक है दोस्तों, तो गुणा इधर कर लेते हैं, 7 6 1 0 0 0, 5 7 35 हासिल की 3, 56 30 3, 33 हासिल की 3, 5 3 8 जोड़ेंगे 7 6 6 3 8, 83,667। ठीक है दोस्तों, योग फल कितना आ गया हमारा 83,667। ठीक है, तो लक्षण देखते हैं, हमें समांतर छेद का प्रथम पद दे रखा है 8, एनो पद दे रखा है 33 और एसएन दे रखा है 123। एन बराबर पूछ रहा है, डी बराबर भी पूछ रहा है, तो हम एनो पद दे रखा था, एन व पद से ज्ञात करेंगे पहले सर्वप्रथम एन व पद से, तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो इधर का एन ओपद तो 33, ए बराबर 8, एन बराबर नहीं है छोड़ दिया, 1 का 1, डी का डी बराबर भी नहीं है, क्या कर देंगे पक्षांतरण, यहाँ 33 माइनस 8 बराबर एन माइनस 1 इंटू डी, तो ये हो गया 25 घटाया तो एन माइनस 1 इंटू डी, बोलो क्या बन गया हमारे पास समीकरण, क्योंकि एन भी नहीं है और डी भी नहीं है, पहला समीकरण हो गया। तो ऐसा अब ऐसा ना लगा देंगे सूत्र, तो एन अपॉन टू टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो एस एन बोलो कितना दे रखा है 123, क्या दे रखा है 123, एन बराबर नहीं है छोड़ दिया, टू ए एक अब तो लाए 8 और इसकी जगह कितना आ गया हमारे पास एन माइनस 1 डी के बराबर 25, तो ये हो गया 25 एन अपॉन टू 25 10 कितना हो गया 35, कितना हो गया 8 दुनिया का 16 प्लस 25 कितना हो गया 41 और एन अपॉन टू बराबर 123, बोल क्या कर देंगे यहाँ पक्षांतरण, क्या कर देंगे पक्षांतरण करने पर, क्योंकि एन बराबर निकालेंगे तो एन बराबर 123 तो है ही सामने, ये हो रहा है भाग तो खंजल जाएगा गुणे में, ये हो रहा है गुणा खंजल जाएगा भाग के अंतर्गत, तो देखिए 41 तिया 123 कितने बार घट गया बोलो 3 बार, कितनी बार घट गया 3 बार, 3 टू क्या करेंगे 2, 3 दुनिया का 6, तो n बराबर कितने प्राप्त हो गए 6, बोलो कितने प्राप्त हो गए n बराबर 6, अब हमसे n बराबर पूछ लिया कितने प्राप्त हो गए 6 प्राप्त हो गए, अब पूछ रहा है d, एक d और पूछ रहा है, तो d n का मान किसमें रख देंगे समीकरण 1 में, तो n का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 है n माइनस 1 इंटू डी बराबर 25, तो एम बराबर 6 माइनस 1 डी बराबर 25 कितना हो गया 5 घटा दे 5 डी, तो डी बराबर 25 अपॉन 5 बराबर कितना गया 5, तो डी बराबर कितना गया बोलो 5, कितना गया डी बराबर 5, एन बराबर आ गया 6 और डी बराबर आ गया 5, ठीक है दोस्तों।